हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक्सेल में एक स्मार्ट ट्रिक जिसे यूज़ करना बहुत ही आसान है और जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा में कोई स्पेसिफिक डेटा को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। हम उस डेटा को सिर्फ फाइंड ही नहीं कर सकते हैं बल्कि वो जहाँ जहाँ वो रिपीट हुआ है उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे यहाँ पर जो डेटा है, इस डेटा में अगर मुझे अपने स्टूडेंट नेम को फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने राइट हैंड साइड कॉर्नर में सर्च बॉक्स लिखा है और उसके नीचे मैं जो भी डेटा टाइप करूँगी उसके अकॉर्डिंग ही मेरा जो पूरा डेटा है और जहाँ जहाँ वो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ जो इस बॉक्स में लिखी जा रही है वो रिपीट हो रही है या जहाँ भी वो आया है वो हाईलाइट होएगा। तो ये कैसे काम करेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। आप क्या करें, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में आप जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल ऊपर टॉप में आपने क्या करना है, क्लासिक की ऑप्शंस लेनी है। क्लासिक में जाके सेकंड ऑप्शंस में ओनली फॉर्मेट नहीं हमने लेना है, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। क्लिक करने पर यहाँ पर ये शो हो गया और जो थर्ड बॉक्स है यहाँ पर हमें लगाना है फॉर्मूला। हमें क्या करना है, ऐड करना है सेल को, जिस सेल को हमें हाईलाइट कराना है। तो यहाँ पर सर्च बॉक्स के नीचे ये वाला जो बॉक्स है H2, मैं H2 के अंदर जो भी डेटा लिखूँ इज इक्वल टू अगेन, यानी कि दिस सेल इक्वल इसके। ठीक है, अब डेटा आपका सारा सिलेक्ट है, आपने क्या किया पूरा टेबल सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पर H2 को सिलेक्ट कर रहे हो और इक्वल कर रहे हो, यानी कि ये वाला जो सेल है इसके अंदर जो भी डेटा एंटर हो उसे इज इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर अगर वो आता है। अब यहाँ पर जो डॉलर का साइन है हमें क्या है, ये रिमूव करना, हमें अपने डेटा को फिक्स नहीं करना। मैं ये चाहती हूँ कि पूरे टेबल पे ये अप्लाई हो, जो मेरा A1 के दिस कॉलम ये क्या है पूरे टेबल में अप्लाई हो। तो मैंने यहाँ से डॉलर का साइन हटा दिया और उसके बाद आपने जिस भी कलर से आप चाहते हो आपका डेटा हाईलाइट हो आप उसे दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट के साथ है, आप इसे यहाँ से चूज़ कर सकते हो, येलो फिल डार्क विद डार्क येलो ग्रीन लाइट वगैरह, और कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में भी जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने खुद के जो भी आपको कलर देना है आप यहाँ से जाके कलर वगैरह चूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेम ही कलर रखना है तो आपने ये ले लिया बस, ठीक है, इसे हम ओके करते हैं, देन ओके। अब जहाँ जहाँ मेरे डेटा में पंकज है, क्योंकि इस बॉक्स में मैंने पंकज लिखा है तो इसमें जहाँ पर भी पंकज आया है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मैं अगर नाम चेंज करती हूँ, इस बॉक्स में मैं लिख देती हूँ देवेंद्र, पूरा नाम मुझे लिखना होगा और एंटर करते ही जहाँ जहाँ पर देवेंद्र आया है वो हाईलाइट हो रहा है। और सेम इसी तरह अगर मुझे सेकेंड कॉलम सपोज़ यहाँ पर लोकेलिटी है तो मुझे लोकेलिटी पे अगर इसे चलाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगेन आप पहले तो इसे जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है इसे आप रिमूव कर दें। आप करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, आपने क्लिक करना है, उसके बाद आप दोबारा टेबल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आपने न्यू रूल पर जाना है और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगी क्लासिक, फिर उसके बाद यहाँ पर ओनली फॉर्मेट को हमने लास्ट ऑप्शन यूज़ ए फॉर्मूला डिटरमाइन वाली ऑप्शन चूज़ करनी है। फिर थर्ड जो यहाँ पर रो है यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखना है सर्च का, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट जो यहाँ पर सेल आएगी जो सर्च बॉक्स के नीचे सेल है जिसमें कि हमने अपना डेटा लिखना है और उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट कराना है, तो यहाँ पर इस सेल को हम सेलेक्ट कर चुके हैं और फिर आप कॉमा का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फिर यहाँ पर जो सेल है A1 आएगी। अब A1 के लिए यहाँ पर जो डॉलर का साइन है लास्ट ये हम हटाएंगे, A1 लिख के डॉलर A1, और फिर आपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 7 यानी कि एम्परसेंट एंड का साइन और फिर यहाँ पर B, अब इसे भी हमने डॉलर को यहाँ से मूव करना है और फिर B के आगे फिर हम शिफ्ट और 7 को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर फिर अगेन हमें C का जो बॉक्स है कॉलम है इसे हम सेलेक्ट करेंगे C, और फिर यहाँ पर इसे जो लास्ट यहाँ पर डॉलर आया इसे भी हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर मेरा डेटा स्टूडेंट नेम फर्स्ट नेम है और फादर नेम एंड लोकेलिटी मेरा थर्ड कॉलम है और मुझे लोकेलिटी ही फाइंड करनी है। मैं चाहती हूँ कि इस डेटा में लोकेलिटी के अकॉर्डिंग मैं इस बॉक्स में लोकेलिटी लिखूँ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा हाईलाइट हो।
तो आपको जितने भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके डेटा में जहाँ तक आपको लगता है वहाँ तक आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि इजकल टू सर्च जिस बॉक्स को लिखा जा रहा है उसके पूरे डॉलर्स होंगे, जैसे कि डॉलर एच, डॉलर टू, ए वन, एम्परसेंट, डॉलर बी वन एंड डॉलर सी वन, यानी कि लास्ट में बी वन, सी वन और ए वन। तो यहाँ से हम डॉलर का साइन हटा चुके हैं और यहाँ से जो भी आपने कलर देना है, हाईलाइट कराना है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो रेड है मैं इसे ही दे रही हूँ और अपने जो फॉर्मूला को मैं ओके कर रही हूँ। तो ओके करते ही यहाँ पर एक्चुअली देवेंद्र प्रसाद ऑलरेडी यहाँ पर टाइप हो रखा है। तो मैं यहाँ पर अगर चेंज करती हूँ अपने डेटा को लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ और एंटर करते ही जहाँ जहाँ जो पटियाला का डेटा मेरे पास है वो पटियाला का डेटा यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे किसी और लोकेशंस को अगर फाइंड करना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो यहाँ से इस सेल में जो भी हम टाइप कर रहे हैं साथ के साथ हमारा जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर एस एस टी नगर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जहाँ जहाँ एस एस टी नगर है वो डेटा हाईलाइट हो रहा है। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा अगर आपको कि सेकेंड, थर्ड और भी जितने कॉलम है सब किसी भी कॉलम का डेटा उसके अकॉर्डिंग आप डेटा फाइंड करना चाहते हैं फिर उसके लिए आप सर्च बॉक्स का ही यूज़ करेंगे, सर्च फार्मूला का यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।